भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सदस्य द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी संशोधन में होम बार योजना को लेकर रोष व्याप्त है। पार्टी के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम अपना ज्ञापन दिया। ज्ञापन में होम बार योजना को वापस लिए जाने की मांग उठाई है। यहाँ पर होम बार जो मेरे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो होम बार डिलीवरी का प्रावधान किया है उसके संबंध में हम ज्ञापन देने आए हैं उसके विरोध में, और हम भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से माननीय योगी जी को यह अवगत कराना चाहते हैं कि यह आपका निर्णय जो होम बार डिलीवरी का निर्णय लिया है आपने, यह गलत निर्णय है, इस निर्णय को आप वापस लें, नहीं तो हमारा विरोध रहेगा इस पार्टी के माध्यम से और संगठन के माध्यम से। आज समाज में आप देख रहे हैं कि नशा जहर, आप इस जहर को 75% इस जहर के माध्यम से, इस नशे के कारण आज क्राइम, अपराध, बलात्कार जो आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या होता है, ये अपराध होते हैं। इन अपराधों को मेन जड़ कहीं ना कहीं नशा है, कहीं ना कहीं नशा लिप्त रहता है। इस नशे को रोकने के लिए मैं माननीय योगी जी से निवेदन करता हूँ कि अपने इस मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से निवेदन करता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त किया जाए और खुशहाल उत्तर प्रदेश बनाया जाए। इसके लिए मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि जो मोदी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है वो बहुत ही गलत है, उसके विरोध में हम सब लोग खड़े हुए हैं, हमारा पूरा संगठन खड़ा हुआ है। आज से हम 20 सालों से इस नशा मुक्ति का अभियान चला रहे हैं। हम घर घर जाके माँ की जोत जलवा कर अपना संगठन के माध्यम से नशा मुक्त कर रहे हैं। आज करोड़ों लोग इस संगठन के माध्यम से नशा मुक्त हुए हैं। हमारा बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो हमारा उनसे यही निवेदन है, यदि वे देश का विकास चाहते हैं, यदि वे देश में कुछ चाहते हैं कि तरक्की हो या उन्नति हो, कहते हैं विकासशील देश होना चाहिए, विकासशील देश ऐसे होगा यदि वो हमारे युवा, जो हमारे आज की युवा पीढ़ी है, उनको नशा पिलाएंगे। नशा सबसे बड़ा नाश का कारण होता है। तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से कि अपना निर्णय वे वापस लें, क्योंकि आज यहाँ से आवाज़ उठी है, आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष से ये आवाज़ें उठेंगी, क्योंकि नशा हमारे नाश का कारण है।